नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ज़बरदस्त और सबसे सस्ते बेंजो एम्पलीफायर की। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का है, ईस्टर का बेंजो एम्पलीफायर है। ठीक है, ये पोर्टेबल एम्पलीफायर है, इसमें गिटार वगैरह सब बच जाता है। और साथ में अगर आप थोड़ा 500-600 रुपये एक्स्ट्रा दे दो तो आपको एक माइक भी मिल जाता है पोर्टेबल। ठीक है, कॉर्डलेस, इसमें आपको ब्लूटूथ देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको स्कूल में यूज़ कर सकते हो, कोई छोटी पार्टी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक अनाउंसमेंट माइक टाइप का है। ठीक है, इस सर का है, इसकी ब्रांडिंग वगैरह पूरी दी हुई है, पूरा टेप लगा हुआ है इसमें। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमारा जो एम्पलीफायर है वो मिलता है हमें, और मात्र 4000 रुपये का मिलता है। ठीक है, जो स्टेंजर का आता है वो लगभग 4500 रुपये का आता है और डायरेक्ट बिजली से चलता है। ये 4500 रुपये से कम का आता है। ठीक है, 4000 रुपये का आता है, और इसमें आपको बैटरी भी देखने को मिलेंगी, कोर्डलेस माइक भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस वर्जन में नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगा था, वो लगभग 4500 रुपये का था, उसमें आपको कोर्डलेस माइक भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हम सबसे पहले इसकी पैकिंग वगैरह खोल लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो कुछ प्रकार के थर्माकोल से प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसमें आपको केबल और रिमोट देखने को मिल जाता है। ये FM की लीड है, इसमें FM भी है, ब्लूटूथ भी है। ठीक है, इसके बाद ये एक चार्जिंग केबल जिससे आप चार्ज कर सकते हो, और बैटरी बैकअप लगभग 4 घंटे का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है अगर आप फुल साउंड पे चलाते हो तो। कुछ इस प्रकार का हमारा चार्जिंग केबल है, वो भी बढ़िया है, बहुत लंबा है। ठीक है, लगभग 1 मीटर लंबी इसकी लीड है, तो वो भी बढ़िया काम करेंगे हमारी। ठीक है, कुछ इस प्रकार का है। उसके बाद आपको रिमोट मिल जाए, पहले तो फ्यूज़ दिखता है, और उसके बाद ये रिमोट हमारा, जिससे हमारा जो मल्टी मीडिया प्लेयर है उसे हम कंट्रोल करेंगे। तो चलिए हम मेन उस पर आते हैं, एम्पलीफायर पे निकालते हैं। इसे पैक करके रखा हुआ है थर्माकोल से प्रोटेक्ट। ये लोकल फॉर वोकल है। ठीक है, ये मतलब आपको बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाएगा शॉप पे। अगर आपको इस कंपनी का नहीं मिलता है तो दूसरा ले लीजिए, इसमें बेंजो सपोर्ट कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ में बेंजो एम्पलीफायर सपोर्ट नहीं कर पाता है। बेंजो के लिए चाहिए थोड़ा पावरफुल एम्पलीफायर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये, अगर मैंने 2-4 एम्पलीफायर देखे जिसमें से ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सस्ता एम्पलीफायर मुझे मिला है, तो मैं सोचा कि आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपको वॉल्यूम का मिल जाएगा, बेस, ट्रेबल, और आप लगभग 3 माइक लगा सकते हो उसमें। तो कुछ इस प्रकार के हम पहले पन्नी निकाल लेते हैं इसमें। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे पहले यहाँ पे एक ऑक्स और माइक की है, बटन चालू करें, बैटरी बैकअप। ठीक है, मल्टीमीडिया प्लेयर, ये माइक 3 या USB, दोनों में से एक चीज़ चलेंगी। ठीक है, ये हमारे माइक के इनपुट हो गए। उसके बाद ये स्पीकर, इसमें स्पीकर लगा है लगभग 7 से 7.5 इंच का, जो कि बहुत ही बढ़िया बेस भी देता है, और साउंड बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त साउंड है इसका। ठीक है, ये जो लीड है FM की, कुछ प्रकार से यहाँ पे लगती है। इसके बाद आप इसे अर्थिंग वर्थिंग दे सकते हो। ये अभी माइक चालू है, अगर हम ऊपर कर देंगे तो ये ब्लूटूथ चालू हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसे पेयर करते हैं, और आपको एक बार ब्लूटूथ से साउंड सुनाता हूँ इसका मैं। तो ये BT0। साउंड बहुत ही बढ़िया, इसका बेस ट्रेबल भी कंट्रोल हो जाता है बढ़िया इसी से। इसके बाद हम बेंजो को जैक टू जैक पिन लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट में इको आएगा, बाकी दो में इको नहीं आएगा। ये हमारा बेंजो, ये भी हमने बनाया है,
ठीक है। बेंजो से रिलेटेड कुछ भी क्वायरी या जैसे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा हूँ, लीवर नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आप लोग देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो अब प्ले करके देखते हैं बेंजो हम। तो देखा आपने कितना बढ़िया इसका साउंड आ रहा है, ठीक है। इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।